हेलो फ्रेंड्स, शुभ्राज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सैंडविच। इसके लिए पहले स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए हमने लिया है एक प्याज, दो तीन हरी मिर्च, आधी शिमला मिर्च और थोड़ा सा पत्ता गोभी। सभी चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। अभी पैन में ऑयल गरम करके पहले प्याज डालते हैं, थोड़ा चला देते हैं। उसके बाद डालते हैं हरी मिर्च, इसको भी मिला देते हैं। अभी डालते हैं हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिला देते हैं। अभी इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हमने लिया है स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को डाल देते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए गैस सिम करके लीड लगा के इसको होने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। अभी इसमें मिलाएंगे बॉयल्ड आलू। 2 मीडियम साइज़ का आलू मैंने बॉयल करके कद्दूकस कर लिया था, इसे मिला देते हैं। अभी सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिला देते हैं। अभी डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसे भी मिला देंगे। लास्ट में डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया, इसे भी मिला देंगे। हमारा स्पाइसी चटपटा स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अभी सैंडविच असेंबल करते हैं। इसके लिए 2 पीस ब्रेड लिया है और 1 ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं। दूसरे ब्रेड के ऊपर केचप लगाते हैं। अभी स्टफिंग को रख देते हैं। सैंडविच को बंद कर देते हैं और इसे बटर में रोस्ट कर लेते हैं। हमें दोनों तरफ क्रंच आने तक ब्रेड को रोस्ट करना है। इसके लिए हमें बटर लगाया और इसके ऊपर अभी लीड लगा देंगे और गैस को सिम करके दोनों तरफ से ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। देखिए ऐसे।
बहुत ही टेस्टी वेज सैंडविच बनकर तैयार है। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।